हेलो गाइस, तो देखिए अभी देखो मैडम तैयार हो रही है और ये देखा आयांश कैसे नखरे कर रहा है। बोल रहा है मुझे ये क्यों पहनाया, मुझे ऐसे करो, मुझे पाउडर लगाओ, मुझे क्रीम लगाओ, मुझे कंघी करो। गुस्सा बैठा है देखिए। बताइए किस पे गया है? ये बदतमीज हो गया। देखो इधर क्या हुआ, गया किस पे, वो बताओ। अम्मा पे ही गया होगा। देखो अम्मा की कैसी नौटंकी चल रही है। हाँ। देख रहा है ऊपर और फिर से नीचे देख रहा है। चलो बस। तो हेलो गाइस, आज मैं रेडी हो गई हूँ और आज मैंने ये टॉप पहना है, पहली बार ही पहना है मैंने। तो मैं मेरे सडनली दिमाग में आया चलो पहन लेती हूँ, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ मार्केट शॉपिंग करने। क्या लेने जा रही हूँ वो तो वहीं जाके ही बताऊँगी। और मैं सोच रही थी कि मैं अकेले ही चली जाऊँ, इन दोनों ने मुझे कल छोड़ के गए थे ना, दोनों भी। कहाँ कहाँ गए थे आप बताना जरा, गार्डन मतलब गार्डन, ऐसे गार्डन में गए थे जो कि आज दिन तक मुझे लेके ही नहीं गए। उधर पांडव लेने के साइड बटरफ्लाई पार्क है, उधर गए थे, नेहरू उद्यान उधर गए थे, मुझे लेके ही नहीं गए। और दोनों भी, मुझे लगा कि चलो फोन आएगा, भगवान की कसम, पता है बार बार फोन बज रहा था ना, तो हम जी सोच रहे थे फोन बजा फोन बजा, लेकिन ये दोनों इतने मक्कार थे, इन्होंने फोन नहीं किया। मुझे लगा मुझे बुला लेंगे, लेकिन एक ही बार पूछा कि चलोगी कि नहीं, तो ऐसे बोलोगे तो कोई भी मना करेगा ना। रुक, ऐसे कैसे बोला था बताना, चलोगी या नहीं? तो ऐसे तो कोई भी ईगो के लिए मना ही कर देगा, नहीं जाएंगे। देखो ये भी बोलता है ऐसे, कैसे सेम ऐसे ही बोलता है। तो अभी हम चल रहे हैं, मेरी स्कूटी सही हो जाएगी, फिर हम भी ऐसे ही बोलेंगे, बोला करेंगे चलोगी कि नहीं, है ना यंश। तो मैं रेडी हो गई हूँ, चलो फटाफट से चलती हूँ, क्या लेना है वही देखते हैं। तो मैं बैली पहन लेती हूँ आज, क्योंकि मैंने जीन्स पहना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मेडिकल पर आए हैं, क्योंकि कुसबा जी को हर महीने दवाई लगती है शुगर की वजह से, तो ये ज़रूरी है कुछ सामान आए या ना आए, तो इसलिए पहले मैंने कहा दवाई ले लो, क्योंकि मेडिकल फिर बंद हो जाएगा, रात हो गई है। तो यहाँ पर दवाई बनाना नहीं है ये। देखो अंकल क्या बेच रहे हैं। तो फ्रेंड्स मंदिर गए, मंदिर में आरती मिल गई, उसके बाद यहाँ पर आए। यहाँ पर हम कम से कम 8 महीने बाद आए हैं कपड़े देखने, क्योंकि ये जो कपड़े हैं ना, ये फिक्स रेट रहता है इनका, 1 रुपये भी कम नहीं करते हैं, तो यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। लेकिन अभी मुझे, मैंने लेना नहीं था ना, तो इसलिए मैं सिर्फ देख रही थी, भीड़ लगी थी। और यहाँ पर ये दीपक मिल रहे हैं, पूजा की दुकान से मैं सामान लेके आई, लेकिन मैंने कहा दीपक मैं इधर से ही खरीदूँगी, जो ज़मीन पे बैठे रहते हैं बेचारे आस लेके। तो फिर उसके बाद दीपक ले लिए, अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा खाने पीने का। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better. तो गाइस अभी देखो हम लोग आ गए मार्केट से शॉपिंग करके, और अयांश भी आ गया। देखो देखो अयांश कैसे अयांश आज तक तो नहीं थक रहा है, चल ऊपर। थक रहे हो क्या? चल झूठ बोलता है, ऐसे बोलते हैं।
तो गाइज अभी इसके पापा नीचे है ना, तो इसकी वजह से ये खुद चल के आ रहा, नहीं तो बोलता है थक रहा हूँ मैं, थक रहा हूँ मैं। तो गाइज ये देखो घर पे आ गया, पुराने कपड़े पहन के गया था। उतार दिया हाँ। क्या लेने गए थे तुम? पेंट नहीं उतार, चल नंगा हो जाएगा तो यूट्यूब मारेगा। तो गाइज ये रखा सामान, सामान लेके आए थे थोड़ा सा। तो गाइज अभी आ गए हैं, तो अभी खाना पीना खाएंगे, और अयांश के पापा अभी नीचे हैं क्योंकि सोसाइटी की पार्किंग का कुछ चल रहा है, तो इसकी वजह से वो नीचे, हम दोनों चले आए। तो अभी सब्जी गर्म कर लेती हूँ, फिर खाना भी खाना है। तो थोड़ा सा सामान लेके आई थी पूजा के लिए, और मैंने सोचा था खुशबा जी के लिए एक कपड़े ले लूँ दीपावली पे, वो कभी लेते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मना कर दिया। लेकिन अभी जाएंगे ना एक दो दिन में, तब देखेंगे चुपके से लेके आएंगे, तभी उनको समझ में। वो देखो बाथरूम में चला गया, हाथ पैर धुलने, कपड़े सारे निकाल दिए। तो फिर गाइस मिलते हैं थोड़ी देर से, सामान दिखा देंगे अभी आपको। खुशबा जी आने दो, तब तक मैं खाना तैयार कर लेती हूँ, ठीक है? क्या खा रही हो ये? जिंदगी में पहली बार इतनी तीखी नमकीन मिली है, पता 5-5.5 साल हो गए नासिक में, कभी तीखी नमकीन नहीं खाई है ना। ये इतनी तीखी है ना, दिखाओ। राजस्थान के लोग हैं ना, वो उन लोगों ने मतलब दुकान लगाई है, बहुत तीखा है, मुझे तो मिर्ची लग गई एकदम से। पहली बार तीखा मतलब मैनपुरी में ही मिलता था, मुझे ऐसा लगता था, लेकिन ये मिली है, ये मैं पूरी खा जाऊंगी। दूसरी जो मीठी वाली लेके आई हूँ वो आप दोनों को खिलाऊंगी, है ना यस? बोलो के दो, लाइक करो, टाइप करो, बाय। तो गाइज उसके बाद ये देखो, ये सामान लेके आई हूँ मैं, दीपक लेके आई हूँ, खील लेके आई हूँ, खील ज़्यादा खाते नहीं है, और ये घी का डिब्बा ले आई हूँ इमरजेंसी के लिए, पूजा के लिए बत्ती ले आई हूँ, और घी भी पूजा के लिए ही है, जौ ले आई हूँ, दीपक और नमकीन भी लाना था, और नारियल भी लेके आए हैं। तो ये सामान इतना ले आए, और उसके बाद अब दूसरे दिन जाएंगे तब लेकर आएंगे। दीपक बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन के लेके आए हैं, महंगे हैं लेकिन अच्छी डिज़ाइन है। तो यही वीडियो थी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और रात के बज गए हैं 11, लेकिन हमारे लला को अभी नींद नहीं आ रही है, ये नहीं सोया है, देखो कैसे बैठा है। तो ये देख लीजिए सारे दीपक, और अब थोड़ा थोड़ा सामान लेके आऊँगी धीरे धीरे। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर ज़रूर करें, और ये पति लोग हैं ना, ये बात तो सुनते ही नहीं है। मैं सोच रही थी एक जोड़ी कपड़े ले आऊँ, लेकिन ठीक है फिर भी मैं अब इनसे झगड़ा करूँगी, क्योंकि कभी भी अपने लिए सोचते ही नहीं है, बस हमारे लिए ले लो, लला के लिए ले लो, घर के लिए ले लो बस, और बोलते हैं हमारे पास तो है ही। अभी मैं ऑफ कैमरा इनसे झगड़ा करूँगी, रुको।